खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल, महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी पहुंची कमला नगर थाना क्षेत्र की मांडवा बस्ती, जहां मासूम बच्ची के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई थी। मासूम बच्ची के परिजनों से मंत्री ने की मुलाकात, मुलाकात कर परिवार वालों को दी सांत्वना। शनिवार को हुआ था मासूम का अपहरण, बलात्कार करके की थी मासूम की हत्या। परिजनों से मिलकर भावुक हुई मंत्री इमरती देवी। परिजनों की जो मनसा है और उनके मनसा के अनुसार उस व्यक्ति को, ऐसे दुष्ट व्यक्ति को फांसी दी जाए, और यही हम सब का कहना है। एक के अगर ऐसे लोग बस्तियों में पैदा होंगे, शहरों में, गांव में, मोहल्लों में अगर ऐसे लोग पैदा होंगे तो हमारी बेटियां सुरक्षित कैसे रहेंगी? और सुरक्षित रहने के लिए हमारी पुलिस की भी व्यवस्था सही होना चाहिए, और जो भी व्यक्ति जिसने भी किया है और जहाँ जहाँ ये कांड हुई है, ऐसे आदमी को उन्हीं के मोहल्लों में खड़े होकर और फांसी की सजा देना चाहिए। और ऐसी फांसी नहीं कि आए और राखे मुंह के बांध के फांसी लगा दे, पूरी तरीके से उसको ये दिखाया जाए, चाहे हाथ पैर काटे, नाक कान काट के उसके उसी बस्ती में, और ऐसी सजा दी जाए कि और देखने वाले इस काम को ना करें जीवन में। मैडम, यहाँ की सुरक्षा के लिए आपने अभी क्या निर्देश देंगे? हम यहाँ पर जो जिस तरह से है सुरक्षित नहीं, तो ये हमने कहा है कि ऐसी बस्तियाँ, यही बस्ती नहीं और भी बस्तियां हैं, ऐसी गरीब बस्तियां हैं जिनके माँ बाप मेहनत मजूरी को निकल जाते, 4 साल की 5 साल की 10 साल की लड़की को संगे तो ले नहीं जा सकते, और अपनी बच्ची को सुरक्षा उनके घर। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।